The person writes a letter to four of its friends. Two, four of his friends. A person writes a letter to four of his friends, full stop. He asks each one of them to copy the letter. He asks each one of them to copy the letter and mail to four different persons. And mail to four and mail to four different persons with instruction that they move the chain similarly. With instruction that they move the chain similarly. They move the chain similarly, full stop. Assuming that the chain is not broken, assuming that the chain is not broken and that it costs 50 paise to mail one letter and that it costs 50 paise to mail one letter, full stop. Find the amount spent on the postage. Find the amount spent on the postage. Find the amount spent on the postage when eighth set of letter is mailed. When eighth set of letter is mailed. ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा. ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि जैसे a person writes a letter to four of its friends. एक पर्सन है, वो अपने चार दोस्तों को लेटर लिखता है और फिर ये बोलता है कि आप सबको भी अपने चार चार दोस्तों को, मतलब हर एक को अपने चार चार दोस्तों को वो लेटर लिखना है और एज इट इज वो लेटर कॉपी करके आगे भेज देना है. ठीक है, तो और फिर वो बोलते हैं कि उन चार को भी आपको यही इंस्ट्रक्शन बोलकर और इसी चेन को आगे कंटिन्यू होने देना है. ठीक है, तो ये इस तरीके से बताया कि जैसे मान लीजिए शुरुआत में एक पर्सन है, इसने अपने चार फ्रेंड्स को, एक फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड और चौथा फ्रेंड. तो सबसे पहले इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन ने चार अपने दोस्तों को लेटर लिख दिया और लेटर लिखकर मेल कर दिया. तो फर्स्ट जो सेट है वो ये है, ये फर्स्ट सेट है. तो फर्स्ट सेट में हर एक में 50 पैसा लग रहा है, 50 पैसे लग रहे हैं. तो अगर मैं देखूं कि चार लेटर भेजने में कितना पैसा लगेगा, 2 रुपए. ठीक है, तो फर्स्ट सेट को जो मेल करा, तो फर्स्ट सेट मेल करने में लगा अमाउंट कितना, 2 रुपीज. उसके बाद क्या करा, इसने पहला वाला जो आदमी था, इसने अपने चारों दोस्तों को कहा कि तुम्हें भी यही सेम लेटर कॉपी पेस्ट करके अपने चार चार दोस्तों को भेज देना है. तो सबने उसकी इंस्ट्रक्शन मान ली. अब इसने भी 1, 2, 3 और 4 चार दोस्तों को भेजा. इसने भी 1, 2, 3 और 4 चार दोस्तों को भेजा. 1, 2,
फोर, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो सेट बना ये बन गया सेकंड सेट। तो सेकंड सेट में कितना खर्चा आया, सेकंड सेट में कितना खर्चा आया, 2 रुपये चार को भेजने में, 2 2 रुपये इधर, 2 रुपये इधर, 2 रुपये इधर, तो 2 4 8, तो कितना लग गया, ₹8 सेकंड सेट में इतना खर्चा आया। फिर जो ये पर्सन है, ये पर्सन भी आगे चार को पोस्ट करेगा, तो इसके ये जो पर्सन है इसको भी कितना खर्चा आएगा, 2 रुपये का, ₹2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब वो पूरा बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको भी ₹2 का खर्चा इसको आया, फिर 2 रुपये का खर्चा इसको, फिर 2 का इसको और 2 का इसको, तो टोटल ₹8 हो गए। ऐसे ही इसको भी टोटल ₹8 का खर्चा आएगा आगे भेजने में, ऐसे ही इनको भी सबको ₹8 और इनको भी सबको ₹8। तो जब थर्ड सेट ऑफ लेटर भेजा जाएगा, थर्ड सेट, तो कितना खर्चा आएगा, 8 4 32। तो कुल मिलाकर मैंने ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म देखी, 2 4 8, 8 4 32, तो मेरा फर्स्ट जो टर्म है वो क्या हो गई, 2, और जो मेरा कॉमन रेशियो है वो क्या हो गया, 4 हो गया। बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया ये, किसी को कोई यस प्रॉब्लम है तो बताइए। पार्थ, रोहन, लक्ष्य, दिवस, यस सर, हर्षिता, सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए। ठीक यस सर, यस सर, क्लियर है। है, चलिए मैं अब आगे चलता हूं इसमें। आगे देखेंगे, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, ये हो गया। वो बोल रहे हैं फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। तो इसका मतलब क्लियरली क्लियरली इट इज अ जीपी, क्लियरली इट इज अ जीपी विद ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 8। फर्स्ट टर्म है 2, आर इज इक्वल टू 8 और एन इज इक्वल टू, ये भी मेरे को 8 बताना है। ठीक है, सर टोटल आर 4, हो जाए, सॉरी सॉरी, आर 4 है और एन 8 है, आर 4 और एन 8, ये हो गया। अब ए एन निकालू या आर या एस एन निकालू, बताइए। ए एन निकालू या एस एन निकालू, एसएन एस एन निकालेंगे। इन्होंने बोला फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। करिए, एस 8 हो गया एक तरह से, ए क्या हो गया, 2 और 4 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। 4 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2। ठीक है, 2, ठीक, ये क्या हो गया, 16 इंटू 16, 16 इंटू 16, सिक्स सिक्स जा 36, 3 कैरी, 6 5 जा 30 और 3 33, अगेन 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15 हो गया। फिर 5 6 जा 33 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 3
5, 8, 13 और 2, 15, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 4 प्लस 1, 5, 6, 5, 5, 3, 6. तो ये हो गया 6, 5, 5, 3, 6, माइनस 1, अपॉन 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 5, 5, 3, 5, अपॉन 3, ये चेक कर लो, 3 से डिवाइड होता है नहीं, 6 प्लस 5, 11 प्लस 5, 16 प्लस 3, 19 प्लस 5, 24 हो जाएगा, देखता हूँ, तो 3, 2 जा 6, फिर इधर आया 3, 1 जा 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, 25, 3, 8 जा 24, 13 हो गया, 3, 4 जा 12, 13 माइनस 12 हो गया 1, 15, 3, 5 जा, तो 2, 5 जा 10, और 2, 5 जा 10, 2, 4 जा 8, और 1, 9, 2, 8 जा 16, 2, 1 जा 2, और 1, 3, 2, 2 जा 4, 43,690 रुपीस, ये टोटल पैसा लग जाएगा, मतलब एक फर्स्ट सेट में 2 ही रुपए लग रहे हैं, और आप देखिए 8 सेट तक आते आते जो ये चेन बनी, तो इसमें 43,690 रुपीस लग जाएगा, ठीक है, बताइए। हाँ जी बोलिए बोलिए सर, सम की निकालेंगे? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो, आवाज धीरे आ रही है सर। सम क्यों निकालेंगे? अच्छा, सम क्यों निकालेंगे? सम इस वजह से निकालेंगे, इन्होंने बोला ना, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मतलब इसमें ना एक लाइन जो है, instruction that they move the chain similarly assuming that the chain is not broken and that it cost to mail one letter. यहाँ पर ना ये एक लाइन लिखना भूल गए हैं, क्वेश्चन तो ये एनसीईआरटी का है, लेकिन ये एक लाइन लिखना भूल गए हैं कि वो जो मेल कर रहा है ना लेटर, वो जो मेल लेटर कर रहा है, उसने एक लाइन ये लिख दी थी कि सारा का सारा कॉस्ट जो है वो मैं बियर करूंगा, ठीक है, उसने ये, हाँ ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ था कि वो सारा का सारा कॉस्ट वो बियर करेगा। तो 8th सेट ऑफ लेटर मेल करने तक टोटल कॉस्ट कितना लग गया, तो वो हमको बताना है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आपको सिर्फ 8th सेट ऑफ लेटर की कॉस्ट बतानी है, उन्होंने बोला फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, कि पोस्टेज में टोटल टोटल कितना खर्चा आ गया वो आपको बताना है, जब 8वां सेट आपने मेल कर दिया तब, ठीक है, एग्जैक्टली उसी का नहीं बताना, समझ गए? ओके सर। हाँ, इसके बाद देखिएगा, ये हमारा हुआ कंप्लीट है। इसके बाद देखिए, हमने लेवल वन कंप्लीट कर लिया, इसका सम वाला, सम ऑफ अ जीपी वाला। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन और हैं, एग्जांपल नंबर 21 और एग्जांपल नंबर 22। लेवल टू पूरा नहीं करना, बस एग्जांपल नंबर 21 और 22 कर लेना, ये एनसीईआरटी के हैं, मैं करवाऊंगा, आप लोगों से शायद होंगे नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 21 इधर मेंशन कर रहा हूं, है, If f is a function satisfying f x plus y is equal to fx into fy for all xy belonging to n, n मतलब natural number, such that f1 is equal to 3. Such that f1 is equal to 3
एंड समेशन x इज इक्वल टू 1 टू n एंड समेशन x इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल n fx इज इक्वल टू 120 फुल स्टॉप फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n. मुझे इस स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग fx plus y इज इक्वल टू fx इनटू fy तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जब fx plus y इज इक्वल टू fx इनटू fy दे रखा है तो क्या होगा. देखो जैसे fx plus y है यहां पर तो मैं ये कहूंगा एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई. ये है. अब हम ना कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर. हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर इस चीज को, वैसे मैं अभी बताऊंगा आपको लेकिन पहले इसी से कोरिलेट करेंगे इसको. देखो जैसे ये दे रखा है समेशन, अभी इसको नोट मत करो, ये मैं इसमें करवाऊंगा. समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू n fx is equal to 120 जैसे ये दे रखा है. मैं इसमें क्या करूंगा, ये summation x is equal to 1 to n का मतलब क्या है कि पहले मैं x की वैल्यू उधर 1 डाल दूंगा, ये क्या हो गया f1, फिर मैं x की वैल्यू उधर 2 डाल दूंगा तो ये हो गया f2, फिर मैं x की वैल्यू इधर 3 डाल दूंगा तो ये हो गया f3 and plus dot 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 कहां तक जाना है मेरे को, n तक. तो fn is equal to 120. ये समझ में आ गया भाई. जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो यही तो होगा, समेशन का मतलब यही तो होता है जो हम सिग्मा लगाते हैं. तो अब मेरे को क्या करना है, मैं इस चीज को दिमाग में रखते हुए एक काम करूंगा. यहाँ पर मैंने ये कहा कि fx plus y is equal to fx into fy है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे f1 is equal to 3 ब्रैकेट में लिख देना गिवन. फिर मैं बात करूंगा f2 की, f2 तो f2 को मैं बोलूंगा f1 प्लस वन ब्रैकेट में मैं एफ वन प्लस वन लिख सकता हूँ. अब क्योंकि एफ एक्स प्लस वाई कितना है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये क्या हो जाएगा एफ वन इंटू एफ वन, और एफ वन क्या है थ्री, तो ये क्या हो गया थ्री इंटू थ्री, मतलब थ्री की पावर टू हो गया. ये बताओ समझ गए. अब इसी तरीके से मैं बात करता हूँ एफ थ्री की, तो एफ थ्री को मैं लिख सकता हूँ एफ टू प्लस वन, तो अगेन fx plus y वाला फंडा यूज करो, क्या हो गया f2 into f1. अभी f2 तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 3 square, तो इसकी जगह डालो 3 square और f1 given है 3 के बराबर, तो ये क्या हो गया 3 का क्यूब. ठीक है, तो जब f1 था तो 3 की पावर 1 थी, जब f2 था तो 3 की पावर 2 थी, जब f3 था तो 3 की पावर 3 थी. ऐसे करते करते जब fn आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर n हो जाएगा कि नहीं बताइए. ठीक है, जब f1 था तो 3 की पावर 1, जब f2 था तो 3 की पावर 2, जब f3 था तो 3 की पावर 3, तो जब fn है तो 3 की पावर n हो जाएगा. ठीक. अच्छा, अब ये नोट कर लीजिए, आगे ये नोट कर लीजिए. अब मैं इसमें ये वैल्यू डालने वाला हूँ. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया ना, बता दीजिए. ये पहले नोट करवाना, हाँ जी ये पहले नोट करवाना इसलिए जरूरी था ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि मैं ये f1 f2 f3 डॉट 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 टिल fn मैं ये निकाल क्यों रहा हूँ. ठीक है, इसलिए ये करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको तो n की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसमें वैल्यू डालते चले जाओ. f1 क्या है 3 की पावर 1 मतलब 3, f2 क्या है 3 की पावर 2 3 स्क्वायर, f3 क्या है 3 की पावर 3 3 की पावर 3, करते करते लास्ट में क्या है 3 की पावर n इज इक्वल टू 120. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ये कहता हूं कि जो लास्ट टर्म होती है ना, वो लास्ट टर्म होती है ar की पावर n माइनस 1. ठीक है, यहां तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो भी नजर आ जाएगा. 3 निकाल लो कॉमन, 3 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1, यहां 3 स्क्वायर का बन गया 3, 3 की पावर 3 का बन गया 3 की पावर 2, मतलब एक वैल्यू कम होती चली गई, एक पावर कम हो गई,
और ये क्या बचा, 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120, 3 वन जा 3, 340 जा 120। ये पूरा का पूरा क्या है, यहां पर लिखे हैं, इट इज सम ऑफ अ जीपी विद a इज इक्वल टू 1 एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 3। 3 अपॉन 1 करोगे 3 आएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 3 करोगे 3 आएगा, एंड n इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू n ही है याद रखिएगा, ठीक है। तो जो लास्ट में दे रखा है ना मेरे को भाई, जो आखिरी टर्म होती है यही तो nth टर्म होती है, और nth टर्म क्या होती है, a r की पावर n माइनस 1, ठीक है, a r की पावर n माइनस 1। तो ये वही तो है सबसे, आप देख लीजिए 3 की पावर n माइनस 1 क्या हो गया, a n क्या होगा, a r की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a तो हमारा 1 है और r क्या है 3, तो 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1 ही तो आ जाएगा। तो ये जो लास्ट टर्म है ये हमारी nth टर्म दे रखी है, इसका मतलब मेरे को साफ समझ में आता है कि एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है और n जो है वो n के बराबर ही है, ठीक है। सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें प्लीज। यस ठीक है, बाकी बच्चे हैं भाई, बाकी सबको क्लियर है। दिवस यस सर, यस सर, लक्ष्य का भी थम्स अप हो रहा है, ठीक है, माइक काम नहीं कर रहे इनके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि ये मेरे पास बन गया तो मैं इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 40। अच्छा अब a क्या है, उस तरफ कर रहा हूं, ये जीपी के वो वाले क्वेश्चंस हैं जो जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो a है 1, तो लिखेंगे यहां पर 1, फिर है r की पावर n यानी कि 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 2 इंटू 40 कितना हो गया 80, तो 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80, 3 की पावर n इज इक्वल टू 81, 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ही तो होता है 81, n इज इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। बता दीजिए भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, यस सर। चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22 है, फाइंड द नेचुरल नंबर स्मॉल a फॉर विच Find the natural number small a. Find the natural number small a for which summation k is equal to 1 to n. Summation k is equal to 1 to n f a plus k is equal to 16 into 2 की पावर n माइनस 1, 16 into 2 की पावर n माइनस 1, comma, where the function f satisfies, where the function f satisfies, where the function f satisfies fx plus y is equal to fx into fy, fx plus y is equal to fx into fy, fx into fy, मतलब ये तो वही वाला रिलेशन हो गया जो इस क्वेश्चन में दे रखा था। अच्छा, for all natural numbers x y, for
ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एक्स कॉमा वाई एंड फर्दर, एक्स कॉमा वाई एंड फर्दर एफ वन इज इक्वल टू टू. जैसे वहां पर एफ वन की वैल्यू थ्री दे रखी थी, यहां पर एफ वन इज इक्वल टू टू दे रखा है. तो फाइंड द नेचुरल नंबर स्मॉल ए. इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे स्मॉल ए फाइंड आउट करना है. ठीक है, स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और देखिए कैसे निकालेंगे इसको. अब देखिएगा, फाइंड द नेचुरल नंबर स्मॉल ए फॉर विच, ये जो रिलेशन है जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होता हो वो काम करना है. ठीक है, तो एक काम करते हैं इसमें, एफ ए प्लस के देखिए, मैं सबसे पहले वही काम करूंगा, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दे रखा है. तो मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, एफ वन इज इक्वल टू 2 है, ब्रैकेट में लिख लेना गिवन. फिर मैं बात करूंगा F2 की, तो F2 क्या हो जाएगा, F1 plus 1, यानी कि F1 into F1, और F1 क्या है, F1 2 दे रखा है, यानी कि 2 into 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर. फिर F3 is equal to F2 plus 1, मतलब F2 into F1. अब F2 क्या है, 2 का स्क्वायर, और F1 क्या है, 2, तो ये हो गया 2 का क्यूब. इसी तरह से चलते चलते Fn हो जाएगा 2 की पावर n, ये हो गया. तो पहले तो ये चीज वही है बिल्कुल जो पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी. फिर उसके बाद ये जो रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को देख लेते हैं जरा. तो देखो, गिवन समेशन k इज इक्वल टू वन टू n, एफ ए प्लस के इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n माइनस 1. अब ध्यान दीजिए, वहां पर क्या दे रखा था, वहां पर था समेशन x इज इक्वल टू, तो वेरिएबल था x, मतलब x बार बार चेंज हो रहा था. ठीक है, x बार बार अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा था. यहां पर वेरिएबल क्या है, यहां पर वेरिएबल k है, तो a इज गोइंग टू बी द सेम, ए पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, के चेंज होएगा. सबसे पहले के को लूंगा वन, फिर लूंगा के को टू, फिर लूंगा के को थ्री, जो जो वैल्यू आती जाएंगी सबके बीच में प्लस 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 लगाते जाएंगे. समेशन का मतलब वही होता है, एडिशन. ठीक है, समझ रहे. तो क्या करेंगे, ये हो गया बेटा एफ ए प्लस वन प्लस एफ ए प्लस टू प्लस एफ ए प्लस थ्री प्लस डॉट 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 f a प्लस एन. सीधी बात है, हर बार k की वैल्यू चेंज हो रही है, इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n माइनस 1. एक फंडा दे रखा है कि अगर f के अंदर कोई दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो अलग अलग स्प्लिट होकर, सॉरी, अगर दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो वो अलग अलग स्प्लिट होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी. एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो एफ ए प्लस वन क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ वन. ये एफ ए प्लस टू क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ टू. सही है, तो मैं क्या करूंगा, एफ ए प्लस वन को मैं लिख दूंगा एफ ए इंटू एफ वन प्लस एफ ए प्लस टू को मैं लिखूंगा एफ ए इंटू एफ टू प्लस एफ ए प्लस थ्री को हम लिखेंगे एफ ए इंटू एफ थ्री, और इसी तरह से एफ ए इंटू एफ एन is equal to 16 multiplied by 2 की पावर n माइनस 1. अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो एफ ए है ये सब में कॉमन आ रहा है, तो मैं एफ ए को बाहर निकाल सकता हूं. तो मैंने एफ ए को ले लिया बाहर,
ब्रैकेट में क्या बचा, F1 प्लस F2 प्लस F3। अच्छा ये जो इक्वेशन आई है ना Fn is equal to 2 की पावर n, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और प्लस डॉट 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 Fn ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। आगे चलते हैं, अब सबकी वैल्यू डाल दो। इधर लिखा रहने दो एफ ए, एफ वन की वैल्यू क्या है 2, एफ टू की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब और फिर करते करते 2 की पावर n इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अब 2 निकाल लो कॉमन, एफ ए इंटू 2 ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। यहां लिख देना सम ऑफ जीपी विद ए इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 2 एंड एन इज इक्वल टू एन, और इज इक्वल टू किसके था ये 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ ए इंटू 2 यहां पर लगाओ आप जीपी का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर, तो a क्या है 1 इंटू आर क्या है 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 कैंसल आउट। फिर जब मैं ये देख चुका हूं कि एफ वन है 2 की पावर 1, एफ टू है 2 की पावर 2, एफ थ्री है 2 की पावर 3, एफ एन है 2 की पावर n, तो एफ ए क्या हो जाएगा 2 की पावर a। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा ये जो एफ ए है ये हो गया 2 की पावर a, साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 1, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, 1 अपॉन 1 तो खत्म, कोई वैल्यू ही मत, कोई मतलब ही नहीं उसका। 16 का मतलब क्या है 2 की पावर 4, लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 1 क्या हो गया 2 की पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, जब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, a प्लस 1 इज इक्वल टू 4, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 3। समझ गए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी में पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। बेटा 2 मिनट वेट करिए, बस पानी पीकर आ रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दीजिए। ऑफ द जीपी क्या है, माइनस 5 अपॉन 4 कॉमा 5 अपॉन 16 कॉमा माइनस 5 अपॉन 64 कॉमा डॉट डॉट डॉट, बस ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो तो इसका सम क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है कि ए दे रखा है ना ऑफ द जीपी, मतलब दे रखा है कि ये जीपी है, तो हमारा फर्स्ट टर्म तो हो गया माइनस 5 बाई 4 और कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा 5 अपॉन 16 डिवाइडेड बाई माइनस 5 बाई 4 डिवाइडेड बाई माइनस 5 बाई 4, तो 5 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 बाई 5 ये हो गया, 5 से 5 कट गया, 4 4 जा 16, तो हमारा कॉमन रेशियो आ गया माइनस 1 बाई 4, तो ए हो गया माइनस 5 बाई 4 और कॉमन रेशियो हो गया माइनस का 1 बाई 4। तो सम टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक अगर सम निकालना है तो ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। अब ए कितना है माइनस 5 बाई 4 अपॉन 1 माइनस आर कितना है माइनस का 1 बाई 4,
तो ये हो गया माइनस फाइव बाई फोर अपॉन वन प्लस वन बाई फोर, माइनस फाइव बाई फोर अपॉन वन प्लस वन बाई फोर। तो माइनस फाइव अपॉन फोर डिवाइडेड बाई फोर वन जा फोर, फोर प्लस वन फाइव बाई फोर। तो फाइव बाई फोर से फाइव बाई फोर कट गया, रिजल्ट क्या आ गया माइनस वन, रिजल्ट आ गया माइनस वन। कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक आप सम करते चले जाएं तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस वन। अब दिमाग में यह आता है कि इनफाइनाइट टर्म्स तक तो बहुत सारी टर्म्स हो गई, मतलब उन सबका एडिशन क्या माइनस वन ही आएगा, है ना, आएगा। क्यों? यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है, ये जो ऑल्टरनेट टर्म्स है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से टर्म्स है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव वाली आप दो करोड़ टर्म्स ले लो, एक करोड़ टर्म्स तो आप क्या ले लो वन से लेकर एक करोड़ तक काउंटिंग, और फिर अगली एक करोड़ टर्म्स आप ले लो माइनस वन से लेकर और माइनस वन थाउजेंड वन करोड़ तक काउंटिंग, तो उनको भी ऐड करोगे तो रिजल्ट तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो जब भी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स होती है तो फिर ये मत सोचना यहाँ पर कि कहीं मेरा जो सॉल्यूशन है वो गलत तो नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव वो टर्म्स दे रखे हैं। तो जब आप नेगेटिव पॉजिटिव बार बार ऐड करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे रिजल्ट जो है वो छोटा ही आता जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं आपको कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला, जो इनफाइनाइट जीपी के हैं, इनफाइनाइट जीपी में हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करेंगे, इसमें बहुत वास्ट दे रखा है उसकी जरूरत नहीं है हमको। उसके अलावा भी एक टॉपिक है इसमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी आपको बता दूंगा मैं, एक क्लास लगेगी ज्यादा से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट खत्म समझिए। दूसरा बता देता हूँ कि इस चैप्टर के बाद में अगला हमको दो चैप्टर्स करने हैं बाकी, एक तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करना है और एक हमको करना है स्ट्रेट लाइन। तो मैं जो सोच रहा हूँ पहले मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करवा दूंगा स्टार्ट, वो आ रहा है ना टर्म वन में, तो पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करेंगे। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स भी बहुत ज़्यादा वाइड है, हमें वो बहुत ज़्यादा वाइड मतलब उतना ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत है नहीं। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जितना दे रखा है एनसीईआरटी में सफिशियंट है, बहुत है। तो एक जो पोर्शन है वो लिमिट्स वाला है और दूसरा डेरिवेटिव्स वाला है। डेरिवेटिव्स वाला कॉमर्स वालों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो मैथ्स वाले हैं वो फटाफट समझ जाएंगे, क्योंकि वो डेरिवेटिव्स टर्म टू में आ रहा है। टर्म टू में है तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, लिमिट्स ही कर लेंगे बस। सर सिर्फ एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वही करनी है। बस 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 बहुत है वो, बहुत है। हाँ जी बोलिए सर, आपने अभी तक कौन कौन से चैप्टर करवाए हैं? बता दूंगा मैं, व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। जो चैप्टर्स हैं वो हमने ट्रिग्नोमेट्री भी कराया यहाँ पर, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टर्म वन में से हट गया, तो वो हमारा फालतू में टाइम वेस्ट हुआ उसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर कराया हमने, और कौन कौन से करे मैं तो खुद भूल गया, सेट्स कराया, रिलेशन फंक्शन कराया, और बस सेट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज कराया, और ट्रिग्नोमेट्री में हमारा टाइम वेस्ट हो गया। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर तो बता ही दिया, मैं देख कर बता दूंगा कौन कौन से हमने कर लिए। हाँ बस, तो ठीक है, तो कर ही सकते। हाँ चलिए जी, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। और हाँ, मैंने शायद पता नहीं आप लोगों को बताया था नहीं, एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो अब 11th क्लास का भी आ गया है, फिजिक्स का भी आ गया है और मैथ्स का भी आ गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। और ये मास्टरमाइंड का नहीं आया, अरिहंत का आया है, ठीक है, सफिशिएंट है उसमें क्वेश्चंस, ठीक है। सम द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज टू इन्फिनिटी, एग्जाम्पल टू। सम द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज टू इन्फिनिटी, पार्ट फर्स्ट है रूट टू प्लस वन, कॉमा रूट टू प्लस वन प्लस वन प्लस रूट टू माइनस वन प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये हमारी हो गई पहली टर्म,
ये हमारी हो गई दूसरी टर्म, ये हमारी हो गई तीसरी टर्म, आपकी मर्जी है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करो, आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो ए जो है हमारा वो तो हो गया रूट टू प्लस वन, और कॉमन रेशियो क्या है थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म कर दो रूट टू माइनस वन अपॉन वन, यानी कि रूट टू माइनस वन आ गया। ठीक है, तो ए आ गया और आर आ गया, मुझे और इसके अलावा तो किसी की जरूरत होती नहीं इसमें। तो एस इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ए कितना है रूट टू प्लस वन अपॉन वन माइनस रूट टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन अपॉन वन माइनस रूट टू, और माइनस माइनस प्लस वन, तो बेटा ये हो गया रूट टू प्लस वन अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या आ गया टू माइनस रूट टू, टू माइनस रूट टू। इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं रूट टू वाला टर्म नहीं छोड़ता, तो मैं टू प्लस रूट टू से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे भी, और टू प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर भी। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में किया होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू इंटू टू क्या हो गया टू रूट टू, और रूट टू इंटू रूट टू क्या हो गया टू, वन इंटू टू क्या हो गया टू, और वन इंटू रूट टू क्या हो गया रूट टू। डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टू प्लस टू कितना हो गया फोर, टू रूट टू प्लस रूट टू कितना हो गया थ्री रूट टू, और अपॉन में टू का स्क्वायर है फोर, और टू का रूट टू का स्क्वायर है टू, फोर माइनस टू टू हो गया, तो फोर प्लस थ्री रूट टू अपॉन टू, ये है इसका आंसर, फोर प्लस थ्री रूट टू अपॉन टू। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ट्राई करिएगा। बाकी मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं दे रखा है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं, तीन या चार क्वेश्चन दे रखे हैं बस, सिर्फ उतना कर लेना। और एएम और जीएम नेक्स्ट क्लास में आपको करवा के, वो भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है, तो वो करवा के और फिर मैं लिमिट से स्टार्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए सर, आपने एमसीक्यूज नहीं भेजे? एमसीक्यू मैंने भेजने का प्रॉमिस किया था क्या सर? वो शायद फिजिक्स में किया था आपने। अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रहे थे अरिहंत के हैं आपके पास। हाँ हाँ मैं बोल तो रहा था, बुकलेट आ गई है, मैं भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी फिर, ओके थैंक यू सर। ओके।